हेलो फ्रेंड्स, मुकुश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कश्मीरी स्टाइल फिश करी। आज जो फिश करी हम बना रहे हैं, या मुजगाड़, ये कश्मीरीज में बहुत पॉपुलर डिश है। कश्मीर में फिश को अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ बनाया जाता है। इसमें हम मूली डालते हैं, गांठ गोभी डालते हैं, या नदरू डालते हैं, या फिर इसे कश्मीरी हाक के साथ भी बनाया जाता है। इसकी जो हम ग्रेवी बनाते हैं, उसमें हम सौंफ पाउडर, सौंठ पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज करते हैं। आज हम मूली के साथ फिश करी बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 किलो फिश ली है और इसे अच्छे से धो के रखा है। फिश में हम 1 टेबलस्पून हल्दी मिला लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक भी मिला लेंगे और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर भी मिला लेंगे। और अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। अब सारी चीजें मैंने अच्छे से मिला ली हैं, इन्हें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। हम आज फिश को मूली के साथ बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज की मूली ली है और इसको मैंने इस तरह से थोड़ा मोटे मोटे पार्ट में काट लिया है। अब फिश को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है और फिश को मैरिनेट किए हुए भी 10 से 15 मिनट के करीब हो गया है। इसको हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। एक टाइम में जितनी फिश आपकी कढ़ाई में आ जाए आप उतनी डाल लीजिए और गैस की फ्लेम हम हाई पे रखेंगे। एक साइड से फिश अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम पलट के भी फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए, फिश हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम बाकी फिश भी फ्राई कर लेंगे। और देखिए, फिश हमारी सारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसी तेल में हम जो हमने मूली काट के रखी थी उसे भी फ्राई कर लेंगे और गोल्डन कलर आने तक मूली को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मूली भी एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको पलट के भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए, मूली भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम जो बाकी बची हुई मूली है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और देखिए, मूली भी सारी फ्राई हो गई हैं। अब हम फिश के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई से हम बाकी तेल निकाल लेंगे। इसमें हम 4 बड़े चम्मच के करीब तेल रहने देंगे। तेल हमारा गर्म है, इसमें हम 1 तेज पत्ता डाल लेंगे, 2-3 इसमें दालचीनी की छोटी सी स्टिक डाल लेंगे, 4-5 लौंग डाल लेंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची मैंने दरदरी कूट के रखी है, उसको भी तेल में डाल लेंगे। ध्यान रहे, गैस की फ्लेम हमने लो पे रखनी है। साथ ही फिश में अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें थोड़े से दाने हम चीनी के डाल लेंगे। चीनी को हम तेल के साथ जब भूनते हैं तो मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है,
बस ये मसाले हमारे अब अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो पे रखेंगे और पानी डालते ही इसमें हम 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे और लो फ्लेम पे हम मिर्ची को तब तक भूनेंगे जब तक मिर्ची और तेल अलग अलग ना हो जाए। और देखिए मिर्ची बहुत अच्छे से भुन गई है और इससे तेल भी अलग हो गया है। इसमें हम आधा गिलास पानी डाल लेंगे। और मसाले में अब हम 3 टेबलस्पून सौंफ पाउडर मिला लेंगे, साथ ही 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिला लेंगे। बस अब मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। और 1 टेबलस्पून अब हम इसमें नमक भी मिला लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। और मसाले को आप अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल ना रिलीज हो जाए। और देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका तेल भी अलग हो गया है। इसमें अब हम 2 कप पानी मिला लेंगे। और मसाले में अब हम उबाल आने देंगे। मसाले में अब उबाल आ गई है, इसमें हमने जो मूली फ्राई करके रखी थी उसे मिला लेंगे। और साथ ही जो फिश फ्राई करके रखी थी उसे भी मिला लेंगे। इसमें हमने कड़छी ज्यादा नहीं चलानी है क्योंकि फिश टूट सकती है। अब फिश को कवर कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बस बीच में इसे 1 या 2 बार हम हल्के हाथों से हिला लेंगे। और फिर इसे ढक के पका लेंगे। और अब 10 मिनट के करीब हुआ है और देखिए फिश बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। इसमें जो मूली हमने डाली है वो भी अच्छे से गल गई है। बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। और देखिए कलर तो इसका कितना बढ़िया आया है। आप इसे गर्म गर्म चावल के साथ सर्व करिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अब फिश को हम सर्व कर लेते हैं। इसमें हमने ना तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज किया है और ना ही टमाटर का और ना ही प्याज का, फिर भी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।